अब बात करेंगे बलरामपुर जिले की, जहां सनवाल क्षेत्र के लोग होली मिलन समारोह में जाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार समारोह में लोगों ने भांग और भजिया खाया, जिसके बाद से अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। पीड़ितों को तुरंत रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित दूसरे उप स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया। बीमारों की संख्या अधिक होने के चलते अस्पतालों में बेड फुल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों को कैंप लगाकर भी इलाज किया गया। आपको बता दें कि पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें उल्टी और दस्त की शिकायत देखी जा रही है। आपको बता दें कि पीड़ितों में लगभग 78 गांव के हजारों लोग शामिल हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, जिसमें पहले इसी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय में आचार में मेंढक पाए जाने की शिकायत मिली थी। मंत्री 25 तारीख के हम लोग के खाने पीने का प्रोग्राम बनाया था, वहाँ खाया पिया, लेकिन आया यहाँ घर तबियत खराब हो गया 2:30 बजे। ओकर बाद 25 लेके 26 तक ले हो गया, 26-27 तक ले तबियत खराब हो गया। 27 तारीख के हम लोग गया वहाँ दवाई कराने के लिए, वहाँ दवाई हुआ सक्सेस नहीं हुआ तो यहाँ रमानगंज पहुँचा दिया। डॉक्टर अभी दवाई भी कर रहा है, अभी डॉक्टर नहीं बोला है, अभी दवाई पानी चल रहा है, अभी देख रहे हैं कि अभी 3-4 हज़ार अभी भी बहुत है। मान के अभी वाडोफ नगर है, अभी सुनावल में है, अभी मान के लिए कि क्या कहते हैं डिंडो तक ले हैं, सौगरों भरा है। आपको तबीयत कैसे खराब हुआ? भजिया खाने में। कहाँ गए थे खाने? मंत्री का सुनावल गए थे, वहाँ खाना पीना खाए सुनावल में, तो भांग जो पिए हैं उनका सबका तबीयत खराब है। वो होली महोत्सव रखे थे नेताम जी, जो मेरे को लगता है कि जो भांग पिए हैं उन्हीं लोगों का तबीयत खराब हुआ। छुटपुट तरीके से लूज मोशन की शिकायत प्राप्त हुई थी, उस आधार पर मैंने रात को ही यहाँ का विजिट किया और उस वक्त रात को 12 बजे तक यहाँ 5 पेशेंट मेरे को सनावल में मिले थे, जिनका वहाँ पे उपचार किया गया था और जो लोग नॉर्मल थे, स्वस्थ थे, उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया था। उसके बाद सुबह मैंने सभी को एहतियात के तौर पे चारों PSC में, जो जिसमें कि 78 गांव होते हैं, 4 PSC डिंडो सनावल रामचंद्रपुर जिसमें 78 गांव होते हैं, मैंने सभी जगह एहतियातन के रूप में सभी सब हेल्थ सेंटरों में ये निर्देश जारी किया था कि सब जगह अलर्ट मोड में रखे, सभी जगह दवाइयों की उपलब्धता बनाए। उस आधार पर अभी तक 144 मरीज अपने चारों PSC में आए हैं और जिसमें से 102 लोग अभी उपचारित चल रहा है, जो सामान्य है, कोई भी सीरियस केस नहीं है, न किसी को अंबिकापुर रिफर किया गया है। उसमें से 40-45 लोग अभी डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। हमारे द्वारा सभी PSCO में 102 की वाहन और सभी पर्याप्त वाहन वहाँ पर रेडी है और पर्याप्त टीम भी लगा दी गई। हम लोग सतत नजर बनाए हुए कि कहीं से कोई ज्यादा मात्रा में केस इस टाइप के टट्टी गुट्टी के ना आए और एहतियात बरत रहे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर स्वरूप भट्टाचार्य। स्वरूप जी, सबसे पहले तुम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो लोग होली मिलन समारोह में गए थे उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, पूरा मामला क्या है? देखिए, बलरामपुर जिले के जो सनावल रामचंद्रपुर क्षेत्र है, वहाँ 14 गांव के लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए और ये फूड पॉइजनिंग का जो शिकार हुआ है, ये क्षेत्र के जो विधायक हैं रामविचार नेताम, जो प्रदेश के कद्दावर मंत्री भी हैं, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने होली मिलन समारोह रखा था अपने क्षेत्र में और ग्रामीणों को बाकायदा खाने पर बुलाया गया था। वहां पर होली का मिलन समारोह था, रंग गुलाल भी जमकर उड़े थे और उसके बाद वहां पर पकवान जो बने थे उसमें कहा जा रहा है कि भांग भी पिलाया गया था। भांग और पकौड़े की फूड पॉइजनिंग होने के कारण वहां लगभग यदि कहा जाए, सूत्रों के हवाले से जो बात कही जा रही है कि लगभग 7,000 लोग वहां पर पीड़ित हुए हैं, लेकिन औपचारिकता के तौर पर सरकार की ओर से महज 125 ही लोगों को मरीज बताया गया है, जबकि ये बात अब तक सामने पूरी तरह से नहीं आई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये फूड पॉइजनिंग के शिकार जब हुए, आनंद फानंद में उन्हें जिला अस्पताल जो बलरामपुर क्षेत्र है वहां दाखिल ना करके जो क्षेत्रीय जो सामुदायिक जो अस्पताल है, जो ग्रामीण अस्पताल है, वहां पर इन्हें भर्ती कराया गया। और ये बात भी नहीं कि देखिए, जो क्षेत्र जो था वो उत्तर प्रदेश के दुधी गांव से लगा हुआ था, तो कई जो मरीज है वो दुधी गांव जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां भी भर्ती हुए हैं। और अब तक जो जानकारी जो मिल रही है, हालांकि किसी के मौत की जानकारी नहीं है, किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन तबीयत खराब जब हुई थी तो उसमें उल्टी दस्त का जो मामला था, यानी कि डायरिया का जो मामला था, वो बढ़ चढ़कर सामने आया है और पीड़ित
ही वहाँ पर दिक्कत है और लोग यहाँ तक कह रहे हैं, जैसे कि हमने बाइट में वो दिखाया है, लोग कह रहे हैं कि राम विचार नेताम जो होली मिलन समारोह में बुलाया गया था उनके वहाँ खाने के बाद ही ये हादसा हुआ है। स्वरूप जी जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि कई गांव शामिल हैं और उन्हें शहरी क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती ना कराकर ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो इसके पीछे की क्या वजह रही, आपको क्या लगता है कि इसे दबाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, बहुत कुछ दी हमने दी कुछ देखा जाए इसमें, यहाँ तक कि हमने कई बार यहाँ पे भी हमने कोशिश किया, रामविचार नेताम जो मंत्री हैं उनसे चर्चा करने की बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल नहीं लगा। उनके पीआरओ के द्वारा ये बताया गया कि वो बस्तर क्षेत्र के चुनावी दौरे पर है, इसीलिए वो नक्सलगढ़ होने के कारण हो सकता है कि वहाँ उनका मोबाइल नहीं लग रहा है। लेकिन जब हमने सीएमएचओ डॉक्टर बसंत सिंह से भी चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने केवल और केवल मीडिया को बाइट तो दिया लेकिन सिर्फ गोल मोल जवाब देते नजर आए, जैसे कि हमने दिखाया है, लेकिन वो किसी भी तरह से आगे की चर्चा करने के लिए वो पहल ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर से ये हो रहा है कि जिला अस्पताल में मरीजों को दाखिल न करवाना ये सबसे बड़ी सवाल जो उठता है, सवालिया निशान जो है वो जिला प्रशासन पर उठता है। और दूसरी बात तो यह है कि जब बार बार यदि इसी तरह की जो एक ही गांव या एक ही क्षेत्र के लोगों में इस तरह का यदि बात आ रहा है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है। स्वरूप जी, जैसा कि आपने बताया कि नेताजी जो हैं वो चुनावी दौरे पर हैं और ठीक लोकसभा चुनाव होने वाले और इस चुनाव से पहले ठीक इस तरह का हादसा होना, आपको नहीं लगता कि जब चुनाव जब जनता देने जाएगी तो इसका असर कहीं ना कहीं मंत्री जी पर भी साफ देखने को मिलेगा? एकदम सही कहा आपने सिमरन जी, जो ये जो लोकसभा चुनाव है इस पर बहुत खासा असर पड़ सकता है क्योंकि क्षेत्र की जो जनता है खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। हम आपको एक चीज और बता दें कि इसी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय था जहां पर वहां भी एक सीधे तौर पर यदि देखा जाए तो अधीक्षक की लापरवाही नजर आई थी, आचार में मरा हुआ मेढक मिलने के बाद उस पर भी जिला प्रशासन ने अब तक कोई भी रिपोर्ट नहीं दिया है। यहाँ तक कि हमारे रफ्तार मीडिया में खबर दिखाने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात तो कही थी लेकिन अब तक कोई जांच का रिपोर्ट सामने नहीं आया है, इस पर भी जिला प्रशासन मौन है। दूसरी बात, होली के बाद इस तरह की फूड पॉइजनिंग जब होती है और फूड पॉइजनिंग के बाद भी इसका अब तक केवल और केवल लीपापोती दिखाई दे रहा है, इससे साफ जाहिर है कि इसका चुनाव पर भी काफी असर पड़ है। लोकसभा चुनाव है, भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, लेकिन कांग्रेस इसे बड़ा बड़ा एक मुद्दा बनाकर सामने रखने की पूरी रणनीति बना रही है। अब देखना यह होगा कि चुनाव पर इतना जो मरीजों का जो हाल है उसका क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। सिंधन जी, स्वरूप जी, इसी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय की ही हम बात करेंगे जैसा कि आपने बताया और ये बहुत दिनों की बात नहीं है, मुझे लगता है कि मुश्किल से 5 या 6 दिन पहले की ही ये घटना है जिसमें एकलव्य विद्यालय में अचार में मेंढक पाया गया था और जो एक्सपायरी डेट की जो दालें थी उन्हें पकाया जा रहा था और बच्चों को दिया गया था, उस बीच भी सेम यही किस्सा हुआ था कि बच्चे जो है फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे। तो इस तरह की उसी क्षेत्र में बार बार इसी तरह की घटना जो है वो दोहराई जा रही है, तो इसका क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही है? एक बार लापरवाही सामने आती है स्वरूप जी, बार आती है, अगर वही घटना बार बार रिपीट हो तो उसे आप सिर्फ लापरवाही को नाम नहीं दे सकते हैं। देखिए, आपने सही बात कहा कि पिछले महज 15 हफ्ता 10 दिन ही हुआ है जो एकलव्य विद्यालय वाला जो मामला उजागर हुआ था, रफ्तार मीडिया ने बढ़ चढ़ कर इसे दिखाया था, यहाँ तक कि कलेक्टर से भी चर्चा की गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई होता नजर नहीं आ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि अधिकारी जो वर्ग है वो एक दूसरे को इस पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब जो दूसरा मामला जो इतना बड़ा जो डायरिया होने की बात जो सामने आ रही है उसमें जो उत्तर प्रदेश से जो लगा हुआ क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, वहाँ यहाँ के मरीज छत्तीसगढ़ के मरीज उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग हो पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है कि कहीं ना कहीं लापरवाही होता नजर आ रहा है। इसका खामियाजा केवल और केवल मरीज भोग रहे हैं और जैसे कि विद्यालय में जो हुआ था तो उसमें छात्र उठाते आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये बात भी पता चला है, अंदर की ये बात है, सूत्र ये बताते हैं कि जब ये मामला जब उठा था, जब मेढक मरा हुआ मेढक मिला था तो बच्चों को भी डराया धमकाया गया है
कि कोई भी बात मीडिया के सामने ना कहा जाए, यदि वो कहते हैं तो उन्हें परीक्षा में फेल करवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जैसा कि जी स्वरूप जी, जैसा कि आपने बताया कि जो जितने लोग बीमार हुए हैं उनकी संख्या लगभग 4000 के आसपास है, और जैसा कि आंकड़ा सामने आया है उसे महज 125 लोग ही उसमें दिखाए गए हैं। तो इस तरह से जिला प्रशासन हो या जिला अधिकारी हो या शिक्षा मंत्रालय हो, आपको कहीं नहीं लगता कि ये सभी की मिलीजुली जो भगत है वो उसका परिणाम सामने आ रहा है? पूरी तरह से मिली भगत का ही मामला है, एक दूसरे की जो लापरवाही को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका सीधा जो खामियाजा है आम जनता को ही उठाना पड़ता है। ऐसे में देखा जाए तो यह खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही ऐसे संवेदनशील मामले होते हैं जिस पर संज्ञान लेना तत्काल जरूरी होता है, लेकिन इधर यह भी बात कही जा रही है कि बाकायदा रामविचार निकाम जो कृषि मंत्री है उनके पीआरओ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मंत्री लगातार अस्पताल और डॉक्टरों से बात करते आ रहे हैं कि ताकि किसी भी मरीज की स्वास्थ्य परीक्षण में कोई लापरवाही ना बरता जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मंत्री जो है वो सामने मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, खासकर इस बात को लेकर कि उनके भी क्षेत्र में यदि डायरिया का प्रकोप इतना बढ़ जाता है उसके बावजूद भी ना तो कलेक्टर इसमें सामने आ रहे हैं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति जो जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो सामने आ रहा है। जैसे कि सीएमएचओ ने साफ तौर पर कहा कि मामला कोई गंभीर नहीं है, लेकिन इतने बड़े 14-15 गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और इतनी बड़ी संख्या में डायरिया का प्रकोप होता है और लेकिन उसके बावजूद भी लीपापोती की जाती है, तो इसे साफ जाहिर है कि स्वास्थ्य अमला और शिक्षा का जो अमला है वो पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रही है। जी स्वरूप जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये देखा जाए तो चारों तरफ से हर अधिकारी मिलकर लीपापोती में लगे हैं कि चुनाव पे कहीं ना कहीं ज्यादा असर ना पड़े। खैर स्वरूप जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।